हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, T20 वर्ल्ड कप के लिए अब सभी टीमों के द्वारा अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट किया जा चुका है, जहां पर BCCI के द्वारा सभी टीमों को सितंबर के महीने तक अपने अपने स्क्वाड को सबमिट करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही इस बार का T20 वर्ल्ड कप हमें 16 अक्टूबर से स्टार्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है और 13 नवंबर तक ये चलेगा। इसके साथ ही इसका पूरा का पूरा कार्यक्रम आउट हो चुका है। तो आज इस वीडियो में पूरे T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल, जो कि पहले ही आउट हो चुका था, लेकिन इसके साथ ही जो भी टीमें डिसाइड हुई हैं ग्रुप ए ग्रुप बी में, और उसके साथ ही भारतीय टीम के ग्रुप वन ग्रुप में किस तरीके से हमें टीमें चेंज होते हुए देखने को मिलेंगी, इसके साथ ही कौन सी टीमों के बीच में कब कहां पर कौन से वेन्यूज पर मुकाबले देखने को मिलेंगे, इसके बारे में आज इस वीडियो में आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोज की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अब T20 वर्ल्ड कप, जो कि 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच में स्टार्ट होने वाला है। सबसे पहले इसके लिए जो ग्रुप्स का डिवीजन है वो ऑलरेडी हमारे सामने किया जा चुका है, जहां पर सबसे पहले ग्रुप ए और ग्रुप बी में दो टीमों को डिवाइड किया गया था, जहां पर ग्रुप ए और ग्रुप बी में वो कंट्रीज है जिन्होंने T20 वर्ल्ड कप के लिए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई नहीं किया था, जहां पर ग्रुप ए से दो और उनके साथ ही ग्रुप बी से हमें दो टीमें T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करते हुए देखने को मिलने वाली थी। और ग्रुप ए और ग्रुप बी से जो दो दो टीमें आ जाएंगी, वो जब हमारे सामने ऑलरेडी जो 8 टीमें क्वालिफाइड है उनके साथ मिल जाएंगी, तो सुपर 12 हमें कंप्लीट होते हुए नजर आएगा। अब अगर बात की जाए किस तरीके से डिवीजन किया गया है, तो सबसे पहले जो सुपर 12 में ऑलरेडी 8 टीमें फाइनलाइज की जा चुकी थी, उन टीमों के अगर बारी बारी से नाम की बात की जाए तो इन टीमों के लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर नाम निकल कर आता है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, अफगानिस्तान और उनके साथ ही बांग्लादेश का, यानी कि ऑलरेडी ये टीमें सुपर 12 की 8 टीमों के तौर पर पहले ही क्वालिफाई कर चुकी थी। इसके साथ ही जो राउंड 1 में टीमें रखी गई है उनमें नाम निकल कर आता है वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, स्कॉटलैंड, नामीबिया, आयरलैंड, UAE, जिम्बाब्वे और उनके साथ ही नीदरलैंड का। इनमें से जिम्बाब्वे की टीम ने पापुआ न्यू गिनी को हराकर अभी कल ही T20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया, जहां पर अब जिम्बाब्वे की टीम आप लोगों को T20 वर्ल्ड कप में देखने को मिलेगी। अब गाइस, अगर बात की जाए ग्रुपिंग के बाद भारतीय टीम के मुकाबले हमें किस किस तारीख को देखने को मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले 23 अक्टूबर को भारतीय टीम अपना पहला मुकाबला खेलेगी, जहां पर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के बीच में मुकाबला होगा। उसके बाद 27 अक्टूबर को भारत एक ऐसी टीम के खिलाफ मुकाबला खेलेगी जो कि क्वालिफायर में ग्रुप बी से जीत कर आने वाली है। इसके बाद 30 अक्टूबर को भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ मुकाबला खेलेगी, 2 नवंबर को भारत और बांग्लादेश के बीच में आपको मुकाबला देखने को मिलेगा, और फाइनली 6 नवंबर को भारतीय टीम अपना सुपर 12 का आखिरी मुकाबला खेलेगी ग्रुप ए के विनर के अगेंस्ट, यानी कि ग्रुप 1 से जो टीम जीत कर आएगी। इसके साथ ही अगर इन जनरल स्केड्यूल की बात की जाए तो 16 अक्टूबर को स्कॉटलैंड और नामीबिया के बीच में हमें मुकाबला देखने को मिलेगा, 17 अक्टूबर को हमें मुकाबला देखने को मिलेगा वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड के बीच में, के बाद पहला सेमीफाइनल मुकाबला हमें 9 नवंबर को देखने को मिलेगा, तो वहीं दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला 10 नवंबर को होगा, और उसके बाद फाइनली T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला हम सभी लोगों को 13 नवंबर को देखने को मिलने वाला है। अब अगर इसके स्टेडियम की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के 7 अलग अलग काफी बड़े वेन्यूज में इस बार का T20 वर्ल्ड कप होना शेड्यूल हुआ है, जहां पर 7 अलग अलग स्टेडियम में हमें T20 वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताइए आप लोगों के हिसाब से इस बार के T20 वर्ल्ड कप में आप लोग कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो और कौन सी टीम आपको लगता है सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।